मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे उपवास फास्ट या फास्टिंग का साइंटिफिक एनालिसिस। उपवास फास्ट फास्टिंग, जिसको प्रत्येक धर्म मज़हब सारे लोग अपने अपने पैटर्न के हिसाब से फास्टिंग या उपवास रखते हैं, आइए हम आपको उसका आज साइंटिफिक एनालिसिस बताएंगे। वह हमारे शरीर में किस तरह से लाभप्रद है, किस तरह के लोगों को उपवास नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि किन सारे लोगों को उपवास कभी नहीं करना चाहिए या कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके दौरान अगर हम उपवास करें तो वह बॉडी को बेनिफिट देते हैं। इन सारी बातों के बारे में चलिए अब हम आपको बताते हैं। मित्रों, उपवास करने के सबके अपने अपने पैटर्न हैं, सबकी अपनी अपनी वजह हैं। किसी को धार्मिक कारणों से उपवास करना है, किसी को अपनी बॉडी के हेल्थ को मैनेज करने के लिए, अपना बॉडी वेट मैनेज करने के लिए उपवास करना पड़ता है। कोई अपनी बॉडी को नॉर्मल शेप लाने के लिए उपवास करता है, कोई अन्य कारणों से भी उपवास करते हैं। लेकिन सारे लोगों में जो उपवास का प्रोसेस है वह एक ही होता है। उपवास करने वाले लोग अपना एक टाइम का टोटल डाइट नहीं लेते, या कई लोग मॉडिफाइड डाइट लेके उपवास रखते हैं। मित्रों, फास्टिंग तीन तरह की होती है। एक होती है टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग, दूसरी होती है अल्टरनेट डे फास्टिंग, और तीसरी होती है मॉडिफाइड फास्टिंग। जो टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग होती है वह आम लोग करते हैं। कोई 12 घंटे में डाइट लेता है, कोई 8 घंटे में डाइट लेता है, कोई 6 घंटे में डाइट लेता है, जिसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं। दूसरी होती है अल्टरनेट डे फास्टिंग। अल्टरनेट डे फास्टिंग में व्यक्ति डाइट एक दिन छोड़ के लेता है, एक दिन छोड़ के लेके वह फिर से अपनी पूरी डाइट लेता है। इस तरह की डाइट जब एक दिन ली जाए, एक दिन ना ली जाए, इसको अल्टरनेट डे फास्टिंग कहते हैं। तीसरी होती है मॉडिफाइड फास्टिंग। मॉडिफाई फास्टिंग में व्यक्ति अपने खाना को, अपनी डाइटिंग को, अपने फास्टिंग को मॉडिफाई कर लेता है। वह अपने समय, ज़रूरत और कंडीशन के हिसाब से घटा बढ़ा लेता है। वह 4 घंटे के अंतर से भी खाना खा सकता है, वह कुछ इंग्रेडिएंट्स को कम करके भी खाना खा सकता है, वह कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ भी खा सकता है। इस प्रकार की डाइटिंग को, इस प्रकार की फास्टिंग को हम मॉडिफाई फास्टिंग कहते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि वह कौन से इफ़ेक्ट हैं जो फास्टिंग करने के बाद हमारी बॉडी पे देखे जाते हैं। मित्रों, फास्टिंग करने को हमारे वेदों में विषहरण की क्रिया कहा गया है। विषहरण, जिसको हम मॉडर्न साइंस में डिटॉक्सिकेशन कहते हैं, अर्थात फास्टिंग के दौरान हमारी बॉडी मेंटेनेंस मोड में आ जाती है। हमारी बॉडी में होने वाली जो टूट फूट है वह फास्टिंग पीरियड में मैनेज होती है। बॉडी स्वतः ही अपने टूट फूट को फास्टिंग मोड में मेंटेन करती है, ठीक करती है। इसी के दौरान शरीर में जो भी विषैले पदार्थ हैं या जो भी टॉक्सिक्स हैं उनको निकालती है। मतलब इस टाइम पीरियड में, फास्टिंग के टाइम पीरियड में बॉडी अपने आप को क्लीन करती है या डिटॉक्सिफाई करती है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि फास्टिंग की प्रोसेस से या उपवास की प्रक्रिया द्वारा, उपवास के द्वारा हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता लेते हैं या उनके कीटाणुओं को शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस को करते हैं। इसके द्वारा हमारे शरीर में बनने वाली कैंसर की सेल्स को भी बॉडी रिमूव करने की ताकत बना लेती है या रिमूव कर देती है। इसके अलावा बॉडी में कई तरह के जो वाइटल ऑर्गन हैं उनका रखरखाव भी फास्टिंग के दौरान अच्छा होता है। उनका मैनेजमेंट, उनका रिपेयरमेंट भी फास्टिंग के दौरान होता है। ब्रेन के द्वारा कई तरह के गुड सीक्रेशन हैं बॉडी में होते हैं। अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर में अपना जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोजन इकट्ठा किया है फास्टिंग के दौरान, बॉडी की जनरल ज़रूरतों के लिए ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके लीवर अपने आप को हल्का करता है।
कई तरह के रिपेयर भी फास्टिंग के दौरान लीवर में होते हैं। अगर पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज में जो पेशेंट प्री डायबिटिक या डायबिटिक कंडीशन में हैं तो उनका भी एक सीमा तक इंसुलिन का सेंसिटिवनेस बढ़ जाता है। वहाँ पर पेनक्रियाज में पेनक्रियाज की एक्टिविटी मैनेज होने लगती है। अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स का भी रिपेयरमेंट फास्टिंग के दौरान होता है। गट से आंतों की सफाई धुलाई और मेंटेनेंस का काम भी फास्टिंग के दौरान होता है। और भी वाइटल ऑर्गन जैसे कि हार्ट फास्टिंग के दौरान नॉर्मल बीट के द्वारा अपने आप को रिलैक्स करता है। इस तरह से लगभग प्रत्येक ऑर्गन फास्टिंग के दौरान अपने आप को मेंटेन करता है, या कॉमनली हम बोलें तो बॉडी फास्टिंग के दौरान अपने आप को रिजुवनेट करती है, अपने आप को स्फूर्तिदायक करती है, अपने आप में ताकत भरती है। बॉडी में होने वाले हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर या अन्य कई समस्याएं फास्टिंग के दौरान अपने आप को प्राकृतिक रूप से नॉर्मल करने की स्थिति में आ जाती हैं। मित्रों ध्यान रखिए, फास्टिंग के बाद तेज़ी से भूख लगती है। फास्टिंग के बाद का जो डाइट है वो बहुत ही हल्का होना चाहिए। कई लोग फास्टिंग के बाद हैवी डाइट लेते हैं, ऑयली स्पाइसी और फैटी डाइट लेते हैं। हमें फैटी स्टफ़ नहीं लेना है, नॉर्मल डाइट लेना है जिससे हमारे फास्टिंग का प्रॉपर एडवांटेज हमें मिल पाए। अगर हम हैवी डाइट ले लेते हैं तो हमारे जो डाइटिंग या फास्टिंग की प्रोसेस है वह नॉर्मल नहीं होती और बॉडी में नई प्रॉब्लम बनने लगती हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि डाइटिंग और फास्टिंग में क्या अंतर है। डाइटिंग वह प्रोसेस है जिसमें हम अपने बॉडी में मील के द्वारा लेने वाली कैलोरी की अमाउंट को कम करते हैं। कैलोरी क्या होती है, यह यूनिट है जो हम एनर्जी को खाने से प्राप्त करते हैं। डाइटिंग के दौरान हम हल्की कैलोरी वाली डाइट को लेते हैं, लेकिन फास्टिंग के दौरान हम किसी भी तरह की कोई भी डाइट नहीं लेते, चाहे वह हल्की डाइट हो चाहे हैवी डाइट हो। तो किसी भी तरह की डाइट ना लेने की स्थिति को फास्टिंग कहते हैं, जबकि सिलेक्टिव अमाउंट में कैलोरी वाली डाइट को लें तो वह डाइटिंग कहलाती है। फैट डिसॉल्व करने के लिए लोग डाइटिंग करते हैं। मित्रों अब हम आपको बताएंगे कि वह ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें की डाइटिंग के लिए, जिन्हें की फास्टिंग के लिए एडवाइस नहीं दी जाती या उन्हें फास्टिंग या डाइटिंग नहीं करना चाहिए, हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं। मित्रों डाइटिंग या फास्टिंग नहीं करने वाले लोगों में सबसे पहला नाम आता है प्रेग्नेंट महिलाओं का। जो महिला प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंसी के दौरान, किसी भी महिला को डाइटिंग या फास्टिंग नहीं करना चाहिए। फास्टिंग करने से उनका और उनके पेट में पल रहे बच्चे का विकास प्रभावित होता है। दूसरे नंबर पर वह महिलाएं जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, चाइल्ड फीडिंग मदर्स हैं, उन्हें भी डाइटिंग या फास्टिंग नहीं करना चाहिए। फास्टिंग करने से उनके जो शरीर में कमजोरी बढ़ने की संभावना रहती है। तीसरे नंबर पर हम उनके बारे में बताएंगे जो ओल्ड एज पर्सन हैं, ओल्ड एज पर्सन में भी फास्टिंग नहीं करना चाहिए। चौथे नंबर पर जो टीनेजर्स हैं या स्मॉल बॉयज़ हैं, उनके लिए भी डाइटिंग या फास्टिंग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो किसी भी बीमारी से उबर के अभी आए हैं, उन्हें भी फास्टिंग मना ही है। इसके अलावा मैं एक दो बातें और जोड़ूंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूँ कि वो सारे लोग जिन्हें की क्रॉनिक माइग्रेन पेन है, माइग्रेन मतलब पुराना सिरदर्द है, उन्हें भी फास्टिंग नहीं करना चाहिए। उनका माइग्रेन अटैक तुरंत ही बढ़ जाएगा यदि वो फास्टिंग मूड पर आएंगे। इसके अलावा जिनको जनरली कमजोरी बनी रहती है, हीमोग्लोबिन कम रहता है, ऐसे लोगों को भी फास्टिंग की वजह से बीपी लो होने की या हाई होने की संभावना होती है, जिसके वजह से फास्टिंग के बाद उनमें कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं। अगर मित्रों कोई भी स्वस्थ है, पूर्ण रूप से हेल्दी है, तो ऐसे लोग को फास्टिंग जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों को फास्टिंग करने से उनकी बॉडी में बनने वाले एक्सेस फैट का कंजम्पशन होगा, जिससे उनका वेट मेंटेन रहेगा और उनके शरीर में ताकत भी बनी रहेगी।
तो ध्यान रखिए, अगर आप हेल्दी हैं तो आप ज़रूर फास्टिंग करें। आपके लिए फास्टिंग आपके लिए उम्र बढ़ाएगी, आपको बीमारियों से बचाएगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी और आपको बुढ़ापे को टालेगी। ऐसा रिसर्च में आया है कि जो लोग फास्टिंग करते हैं उनकी उम्र ज़्यादा होती है, जो लोग फास्टिंग नहीं करते बजाय उनके। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, अगर किसी भी पर्सन को कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है तो ऐसे लोगों को फास्टिंग लेने के पहले, फास्टिंग करने के पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लेना चाहिए। अब उनके एडवाइस के आधार पर ही ऐसे लोगों को फास्टिंग करना चाहिए। मित्रों, एक तरफ मैं बता रहा हूँ कि जो नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं, उन्हें फास्टिंग ज़रूर करना चाहिए, लेकिन हम अब उनकी बात कर रहे हैं जिन लोगों में लगातार कमजोरी बनी रहती है, लेकिन वह किसी न किसी कारण से वो उपवास करते हैं। ऐसे लोगों में कई तरह के कॉम्प्लिकेशन पैदा होने लगते हैं। जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो ऐसे लोगों में देखा गया है, वह है उनके अंदर तनाव का आना, उनके बालों का झड़ना, उनकी बॉडी का वेट कम होना, उनका बीपी लो होना और भी कई छोटी मोटी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ऐसे लोगों को हो सकती हैं। इसलिए ध्यान रखें, अगर आप फास्टिंग मूड में आ रहे हैं, फास्टिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं, तो कृपया अपने शरीर के बारे में ज़रूर सोचें, क्या आप अपने शरीर को फास्टिंग करने के लायक समझ रहे हैं। अगर आपका फास्टिंग के हिसाब से शरीर सही है, आप हेल्दी हैं, आप किसी भी बीमारी से रहित हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका वज़न भी नॉर्मल है, तभी आप फास्टिंग प्रैक्टिस करें। अन्यथा की दृष्टि में आप मॉडिफाई फास्टिंग करें, जिसमें कि आप फास्ट के साथ साथ समय समय पर घंटों के अंतराल से 4 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे के अंतराल से लगातार पानी लेते रहें, चाय लेते रहें, जूस लेते रहें और दूध लेते रहें। इस तरह से आप अपने फास्ट को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम फास्टिंग करेंगे, 12 आवर का फास्टिंग करेंगे या 24 आवर का फास्टिंग करेंगे, तो आपकी स्थिति नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाएगी, आप स्वस्थ से बीमार हो जाएंगे। इसलिए हमेशा फास्ट रखने के पहले आप इस चीज़ का कंसीडर ज़रूर करें। मित्रों, आपके फास्टिंग के कारण कोई भी हो, चाहे आप बॉडी वेट मेंटेन कर रहे हों, चाहे आप आध्यात्मिक दृष्टि से फास्टिंग कर रहे हों, या फिर धार्मिक दृष्टि से कर रहे हों, या फिर किसी और अन्य वजहों से फास्टिंग करते समय, हमेशा ध्यान रखें, आपके लिए फास्टिंग हर हाल में फ़ायदेमंद है। भगवान के द्वारा, ऊपर वाले के द्वारा दिया गया जो फास्टिंग का फल है, वो आपको तुरंत मिलता है। आपको भगवान के द्वारा एक अच्छी हेल्थ तुरंत ही मिलती है, और कहा गया है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आप फास्ट को प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आप फास्ट प्रैक्टिस करते हैं, आप उपवास करते हैं, तो आप हमेशा तनाव रहित लंबी उम्र रहेंगे, लंबी उम्र जिएंगे, कैंसर रहित, बीमारों रहित और अपने आप की ताजगी वाला जीवन आप जिएंगे। इसलिए लंबा जीवन जीने के लिए अगर आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो आप फास्टिंग ज़रूर करें, ये मेरा सुझाव है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपको वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अगर आप चाह रहे हैं तो तुरंत ही निदान बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएँ, जिससे वह भी इस लाभ से वंचित ना रहें। धन्यवाद।